नीतीश कुमार जी कहीं भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बता रहे और ना दिख रहे हैं। अम्ब्रेला के नीचे आए और आके बहुत मजबूती के साथ ना सिर्फ टक्कर ने बल्कि बहुत मजबूती के साथ एक नए रूप रंग में एक नई सरकार नए लोगों के साथ सामने आए तो लोकतंत्र के लिए और भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पटना पहुंचते ही टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तो हैं लेकिन संख्या बल होना जरूरी है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बैठक है, आप तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं, ममता बनर्जी भी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बैठक को? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। ये विपक्ष की एकता का सवाल नहीं है बल्कि नई सरकार का फॉर्मेशन और नई सरकार कैसी होगी, नई सरकार की दिशा क्या होगी और साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनकी जो अपने उनका रवैया या उनकी सरकार या उनकी सरकार चलाने का ढंग जो है उसके लिए ऐसा ज़रूरी महसूस होता है, ज़रूर महसूस होता है तब लोगों को कि एक नई रचना हो, नए लोग, वो लोग जो प्रभावशाली लोग हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे आए और आके बहुत मजबूती के साथ ना सिर्फ टक्कर ने बल्कि बहुत मजबूती के साथ एक नए रूप रंग में एक नई सरकार नए लोगों के साथ सामने आए तो लोकतंत्र के लिए और भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा होगा। 23 तारीख को यहाँ पे है और सारे महारथी सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और उसमें हमने जो सुना है आप लोगों से ही कि हमारी ममता जी भी आ रही हैं, जो ममता जी तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी। हमने सुना है कि बहुत ही विद्वान और बहुत ही काबिल हमारे खड़गे साहब भी आ रहे हैं, नेशनल आइकॉन जो हैं आज भारत जोड़ो यात्रा के महाक्रांति के नायक राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की खबर है। और भी लोग आ रहे हैं, दीपांकर जी आ रहे हैं सीपीआई से, माने सारे अलग अलग दल के लोग एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार पे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, उसके आधार पर आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत अच्छा शुभ संकेत है। लेकिन क्या लगता है नीतीश कुमार को विपक्ष का आप उम्मीदवार मान सकते हैं? नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल देखते हैं आप? देखिए, मटेरियल तो कहें क्यों नहीं है, सब कुछ है, पीएम मटेरियल कौन नहीं है, आप भी हैं, हम भी हैं, अगर हमारे पास संख्या बल हो जी, हमारे पास समर्थन हो तो कौन नहीं हो सकता, आप भी हो सकते और हम भी हो सकते, ये तो मैं आज से नहीं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना कह देता हूँ जो खुद नीतीश कुमार ने कहा है, नीतीश बाबू ने खुद कही है इस बात को और उनके लोगों ने भी कहा है, ललन बाबू ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बता रहे और ना दिख रहे हैं। वो नीतीश बाबू एक बहुत बड़ी उनकी कोशिश है, उनकी पहल है, वो सबको जोड़ने की और एक नई दिशा में नए लोगों को सामने लाकर एक प्रभावशाली नेतृत्व को सामने लाना है, ये उनका इरादा है, ये उनकी मंशा है और ये कह चुके हैं। आप पटना से सांसद भी रह चुके हैं, क्या लगता है कि बिहार की स्थिति क्या होगी, 40 सीट में कितनी सीट महागठबंधन को आएगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो होने के कह दूँ कितनी सीटें आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लोगों ने चमत्कार होगा जी। और ख़ासकर आज के दिन में जिस तरह से विपक्ष की एकता और विपक्ष का नेतृत्व और विपक्ष का जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे हमने सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहा, अभी ताज़ा आपने कर्नाटका में देखा जी, जी। और जिस तरह से उन्होंने रिलीजन का कार्ड खेलने की कोशिश की, बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करके उन्होंने किया, क्या हुआ परिणाम, विपक्ष को और ख़ासकर कांग्रेस को बजरंग बली का भी आशीर्वाद मिला और उनकी वजह से शायद पूरे जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद मिला और समर्थन मिला। तो ये जो है मुझे लगता है कि बहुतेरी सीटें जो हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो विपक्ष की झोली में आएगी।
तो अभी आपने देखा जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर साफ साफ कह दिया कि जो 23 जून को जो बैठक होने वाली है वो काफ़ी अहम बैठक है और उस बैठक में तय होगा कि जो नई सरकार होगी उसकी दिशा और दशा कैसी होगी। वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि वो PM मटेरियल तो हैं लेकिन संख्या बल होना जरूरी है। और भी क्या कुछ कहना था शत्रुघ्न सिन्हा का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।